कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के बीच आखिर किस नेता ने डील कराई, पर्दे के पीछे वह कौन था जिसने बीजेपी अकाल मान तक सिंधिया की बात पहुंचाई, आखिरकार वह कौन है जिस पार्टी हाई कमान इतना भरोसा करती है, जिसके भरोसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। इस तमाम मामलों से पर्दा अब हट गया है। सिंधिया को बीजेपी तक लाने और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने वाले वह कौन नेता है बल्कि बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम है। जफर इस्लाम मीडिया के लिए जाना पहचाना चेहरा है। टीवी चैनलों पर डेबिट में वह हर रोज बीजेपी का बचाव करते हैं। राजनीति में आने से पहले जफर इस्लाम एक विदेशी बैंक के लिए काम करते थे और लाखों रुपए का वेतन पाते थे। मोदी की राजनीति से प्रभावित होकर जफर इस्लाम ने बीजेपी से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जफर इस्लाम के पीछे ताल्लुकात हैं। शायद यही वजह है कि मृदुभाषी और बेहद सलीम व्यक्तित्व के धनी जफर इस्लाम को बीजेपी हाई कमान ने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाने की जिम्मेदारी दी है। जफर इस्लाम कांग्रेस के बागी नेता सिंधिया को पहले से जानते रहे हैं। सिंधिया जब कभी दिल्ली में रहते थे तो उसने जफर की मुलाकात अक्सर हो जाती थी, लेकिन जफर पिछले 5 महीने से बीजेपी से मिल रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में समय में सिंधिया और जफर इस्लाम की लगातार 5 बैठक हुई है। खुद सिंधिया ने अपनी तरफ से पेशकश की थी। इस पेशकश को जफर इस्लाम ने ही पार्टी अलकनामा तक पहुंचाया। इसके बाद सिंधिया को बीजेपी में लाने की कवायद और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की पटकथा लिखी हुई है। इस पूरे ऑपरेशन में बीजेपी की तरफ से सिर्फ लॉजिस्टिक और अन्य सहायता दी गई। पूरे ऑपरेशन सिंधिया के मुताबिक ही चला। यहां तक कि सोमवार और मंगलवार को सिंधिया की प्रधानमंत्री से मुलाकात के वक्त भी जफर इस्लाम साथ लोक कल्याण मार्ग में पहुंचे थे। मंगलवार को जब गृह मंत्री अमित शाह सिंधिया को लेकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तो उस समय भी जफर इस्लाम गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी में मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सिंधिया के बाद 22 और विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। इस बीच कांग्रेस की आंतरिक अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के कुछ नेताओं को इसके समाधान और भोपाल में स्थिति को संभालने का काम सौंपा है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक आज भोपाल से जयपुर के लिए रवाना होने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में अब विधायकों को छिपाने का खेल शुरू हो गया है।